हर हफ्ते की तरह बात इस हफ्ते भी गोदी मीडिया के कुछ मजेदार किस्सों की करते हैं। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें इस कदर बढ़ रही हैं कि वह 110 के पार जा चुकी हैं, जो कि पहले 70 रुपए के आसपास थी। दिवाली का तोहफा देते हुए सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की, जिस वजह से पेट्रोल के दाम 5 रुपए और डीजल के दाम 10 रुपए तक कम हो गए। अभी भी पेट्रोल के दाम 100 रुपए से ज्यादा हैं, पर हमारा मीडिया इसे एक बड़ी राहत के रूप में दिखा रहा है। और आज इस दीपावली के पावन अवसर पर बड़ा तोहफा भी केंद्र सरकार ने जनता को दे दिया है। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों से परेशान आम आदमी को केंद्र की सरकार ने बड़ा दिवाली गिफ्ट दिया। आज से पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई है कटौती। मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए की कटौती की गई है। एनडीए शासित राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर वैट घटा दिया है, जिससे आम लोगों को और ज्यादा राहत मिली है। आपको जानकर हैरानी होगी, कांग्रेस शासित राज्यों में पेट्रोल और डीजल पर टैक्स सबसे ज्यादा है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार अपने राज्य में प्रति लीटर डीजल पर ग्राहकों से 25.81% वैट वसूलती है, जबकि गुजरात में डीजल पर यही वैट 20% है। इसलिए अब विपक्षी पार्टियों के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि क्या वो भी केंद्र सरकार की तरह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अपना वैट कम करेंगे, अपना शेयर कम करके इसे और सस्ता करेंगे। देश में पेट्रोल के दाम अभी भी काफी ज्यादा हैं। अब सरकार से यही उम्मीद है कि दाम के घटने का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। मीडिया के लिए महंगाई से बड़ा मुद्दा रहा आर्यन खान का जेल से बाहर आना और मन्नत में आर्यन खान का स्वागत। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कल जमानत मिली और आज या कल वो मुंबई की आर्थर रोड जेल से रिहा हो सकते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि शाहरुख खान का बेस्ट फ्राइडे रिलीज है। लेकिन ये प्रशासन, जेल प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है कि आखिर आर्यन खान को निकालने के लिए मुख्य दरवाजा का इस्तेमाल करता है या मुलाकाती दरवाजा का इस्तेमाल करता है। उम्मीद यही की जा रही है, क्योंकि बार बार जिस तरीके से 3 बार शाहरुख खान कल जिस तरीके से यहाँ आए थे केवल और रिलीज ऑर्डर को डालने के लिए, लेकिन अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान सुबह 11 बजे के कुछ देर बाद जेल से बाहर आए। उन्होंने शाहरुख के बॉडीगार्ड वहां पहले से मौजूद थे। इसके बाद आर्यन खान सीधे मन्नत पहुंचे, जहां उनके फैंस ने उनका जोरदार स्वागत किया। मीडिया द्वारा आर्यन खान पर ज्यादा ध्यान देना, इस पर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने मीडिया को ट्रोल किया अपने अंदाज में। आप खुद ही देखिए। यार हिंदुस्तान की मीडिया को क्या हो गया यार, अरे कितना गिरोगे यार नीचे टीआरपी के लिए। अब शाहरुख के लड़के की न्यूज ऐसे दिखा रहे हैं आर्यन की, ये देखिए इसी दरवाजे से निकलेंगे, हो सकता है उस दरवाजे से निकले, नहीं इस पे भी नजरें गड़ाए रखिए, इस पे भी नजरें गड़ाए रखिए, अब सब काम छोड़ दीजिए घर पे, आज खाना वाना ना खाइए, ऑफिस ना जाइए, नजरें गड़ाए रखिए, सबसे पहले हम बताएंगे यहीं से निकलेगा आर्यन खान, यहां से निकलेगा। और देखिए आर्यन खान से सबसे पहले हम पूछेंगे कि तुम खाना खा रहे थे नहीं, ये कोई मीडिया है, पागल हो क्या बे। टाइम्स नाउ के पत्रकार सुशांत सिन्हा ने अपने शो में महंगाई पर समझा रहे थे कि अभी महंगाई कम है, पहले ज्यादा थी। अब खुद ही ये वीडियो देखिए। देश में महंगाई, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा कि चीजें महंगी हुई, लेकिन अगर आप रिटेल महंगाई की दर देखिएगा, जिसको खुदरा महंगाई कहते हैं, मतलब रिटेल पर जो आप सामान खरीदते हैं, वो रिटेल महंगाई की जो दर है वो आज की तारीख में 4.3% है, 4.3%, सितंबर 2021 का बता रहा हूं। और यही आप पिछले साल चले जाइए सितंबर 2020 में, सितंबर में क्या हालत थी महंगाई की, 7.27%। मतलब पिछले साल के सितंबर के मुकाबले अगर आप महंगाई दर देखेंगे तो वो 4.3%, यानी करीब 3% घट गई है। महंगाई तो बढ़ी है लेकिन पहले के मुकाबले घटी है। कुछ चीजों पर महंगाई है, पेट्रोल महंगा है, इसको कोई इनकार नहीं कर रहा। देश में किसान अभी भी कृषि बिलों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और गोदी मीडिया का विरोध, आप ये वीडियो देखिए जिसमें किसान इंडिया टीवी का विरोध कर रहे हैं। सर्वे करना आपकी आपकी अदालत ब्लैंक लाई है ना पिछले पास किसान ने किया विरोध, पिछलियां फोटो राष्ट्रपति ये सारिया इन्होंने बाद शाम विखाणिया सी, असि देखो जी पिंडां च गए आ ते किसान बड़े खुश ने मोदी तो, पर खुश खुश कोई नहीं जाएगा। मेरे पिंड ने पजाए जे मंडी चो
ਬਲੈਂਕ ਲੱਗੀ ਆ ਇਧਰ ਕੋਵਿੰਦ ਆ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਫੋਟੋ ਆ ਆਹ ਬਲੈਂਕ ਛੱਡੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈਨਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਏ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਧਰ ਇਹ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ये भी देख ही लेते हैं कि मीडिया के लिए सबसे जरूरी मुद्दे क्या रहे। राजनीति का केंद्र बिंदु हिंदू। आज मैं इस मुद्दे पर तथ्यों और सबूतों के साथ सबसे बड़ा विश्लेषण करने वाला हूं। उसको कई लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है, मतलब बर्दाश्त के काबिल नहीं है ये लोगों से कि देश का प्रधानमंत्री मंदिर चला जाए, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ चले जाएं। कैसे, क्यों, क्या इस देश में अपने ईश्वर की साधना करना, पूजा अर्चना करना कोई अपराध है क्या? क्या इस देश में अपने देवों के दर्शन करना? लेकिन कांग्रेस पार्टी के मुताबिक ये पब्लिसिटी स्टंट है, ये गुनाह हो जाता है, वो भी तब जब प्रधानमंत्री मोदी ऐसे किसी देवस्थान पर दर्शन करने पहुंचे। हफ्ते की वीडियो के जरिए हम मीडिया के कुछ मजेदार क्लिप्स को आपको दिखाते हैं, क्योंकि मीडिया खबर कम दिखा रहा है और एंटरटेनमेंट आजकल ज्यादा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।